आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। सरकार ने सरकारी क्षेत्र को खत्म कर दिया, सारा धंधा सारी नौकरियां पहले क्षेत्र को दे दी और सरकारी क्षेत्र में बिना संविधान बदले ही संविधान बदल करके आपका आरक्षण समाप्त कर दिया। कुत्ता मर जाए, हिरन मर जाए तो इस देश में कानून है, लेकिन इस देश की एक चौथाई आबादी के लिए आज तक आपका आरक्षण कानून नहीं बनाया गया। आपके लाखों लोग पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करके, लाखों आपके डिप्टी एसपी को सब इंस्पेक्टर बना दिया गया, आपके चीफ इंजीनियर को जेई बना दिया गया, लाखों लोगों को पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करके आपका रहा सा जो भी आपको लाभ मिल रहे थे वो भी खत्म कर दिए गए। यहां तक भी सरकार का पेट नहीं भरा। सरकार ने अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में एडमिट हुई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें आपके आरक्षण के मामले में क्रीमी लेयर कंसेप्ट का भी कंसेप्ट घुसेड़ने का एडमिशन सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। अभी 2 महीने भी नहीं हुए थे कि आपका एक ही बचाव का, एक ही आपका सुरक्षा कवच था, आरक्षण क्या अत्याचार निवारण अधिनियम 1989/2015, SC/ST Atrocity Act 1989/2015। माननीय उच्चतम न्यायालय के 2 माननीय उच्च न्यायाधीशों ने उस व्यवस्था को भी समाप्त करने के लिए एक आदेश पारित कर दिया। देश के कोने कोने में आज भारत बंद का ऐलान हुआ है। यह ऐलान किसी सांसद ने नहीं किया है, यह किसी विधायक ने नहीं किया है, यह किसी नेता ने नहीं किया है, बल्कि यह समाज के एक एक आदमी ने बंद का ऐलान किया है, एक एक आदमी ने बंद का ऐलान किया। और शायद यही कारण है, क्योंकि यह समाज का बंद है तो पूरे भारतवर्ष में बंद पूरी तरीके से आज सफलतापूर्वक पूरे देश में आप टेलीविजन पर देखेंगे कि आज पूरे देश में बंद सफलतापूर्वक संचालन हुआ है। आप सब लोग पद अनुशासित हैं, अनुशासित हैं आप, अनुशासित हैं आप, और अनुशासन के दायरे में आप यहां पार्लियामेंट डिस्ट्रिक्ट पर आए हैं। मैं आपको सैल्यूट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो व्यवस्था पिछले दिनों में ये खराब हुई है, अब तो इंतहा हो गई साहब, अब तो अति हो गई साहब। अरे खेतों में काम हम करें, गन्ना हम बोए, धान हम बोए, देश को कृषि प्रधान हम बनाए, इनके घरों में वक्त हम धोए, इनके घरों में नौकर हम करें, एक सड़क हम बनाए, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हम बनाए, देश का शहरी विकास हम करें, देश का ग्रामीण विकास हम करें। और हमारे विकास की बात तो छोड़ दीजिए साहब, जो कुछ था उसे भी समाप्त करने का पूरा इंतजाम कर दिया गया है। क्या इसे मेरा समाज स्वीकार करेगा? क्या मेरा समाज यह स्वीकार करेगा? भारत की सरकार से निवेदन है कि देश की एक चौथाई आबादी, जिसको अनुसूचित जाति जनजाति के नाम से जाना जाता है, माननीय प्रधानमंत्री जी, ये तो बहुत शांति प्रिय समाज है, अरे आपने इनको सड़कों पर आने के लिए क्यों मजबूर कर दिया, क्यों मजबूर कर दिया, क्यों सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर दिया? आप भारत के प्रधानमंत्री हैं और आपसे ये उम्मीद की जाती है कि भारत के हर वर्ग के विकास के लिए आप सोचें और उनके विकास के लिए आप काम करें। तो आज आप इस मंच के माध्यम से आप सबके बिहाफ पर जो ज्ञापन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को दिया जा रहा है, उसको मैं जब अपने वक्त खत्म होंगे बात करने के बाद उसे पढ़कर सुनाया जाएगा, उसको पास किया जाएगा और भारत के महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु भेजा जाएगा।